जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग यूनिट एक लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। डीएलएफ के बाद रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करने वाली एक शानदार और दमदार कंपनी है। यदि आप दिल्ली एनसीआर के सेक्टर में रहते होंगे तो इस स्टॉक का नाम, खासकर कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में लगातार एक अपर रैली देखने को मिल रही थी, लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी एक दो दिनों से देखेंगे तो इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। आज तक 5% का लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगा है। तो ये जो जिन लोगों ने हाल फिलहाल में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए एक बहुत चिंता की बात हो सकती है। हालांकि उतनी चिंता की बात नहीं, मैं आपको एश्योर करता हूं, और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनके लिए तो अभी भी बल्ले बल्ले है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में इस स्टॉक का, और आपको बताऊंगा कि जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है या कोई नया भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उन्हें क्या करने की जरूरत है। चलिए शुरुआत में सकते शुरू से करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग इस कंपनी के काम को समझे तो जैसे मैंने बताया कि ये रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। मेन जो इस कंपनी का रेवेन्यू होता है रियल एस्टेट कमाई से होता है। रियल एस्टेट को यदि आसान भाषा में समझाऊं तो कंपनी क्या करती है, प्रॉपर्टी बिल्डिंग उसके बिल्डिंग बनवाती है, फ्लैट वगैरह बनवाती है और लोगों को बेचती है, तो इससे कंपनी की कमाई होती है। ये रियल एस्टेट का मेन मोटा मोटी कंसेप्ट होगा। इसके अलावा कंपनी पावर ट्रांसमिशन और देखेंगे तो हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में भी कंपनी काम करती हुई आपको नजर आएगी। ये सेकेंडरी इनकम होता है, इससे मेन जो कमाई होता है रियल एस्टेट से होता है, जिससे मैंने आपको बताया। देखिए काम के बेसिस पे यदि हम समझें तो लंबे अवधि में कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि इसका डिमांड रियल एस्टेट के सेक्टर का डिमांड हमेशा रहेगा और इसमें काम करने वाली कंपनी के शेयर में भी तेजी रहेगी। ये स्टॉक नीचे क्यों गया था, क्योंकि इसका मैनेजमेंट सही नहीं था, इसके जो प्रमोटर्स अभी भी जेल में, हालांकि जेल से बाहर आने वाले हैं, ये एक अच्छी खबर है इसके इन्वेस्टर्स के लिए, जिस वजह से स्टॉक में तेजी भी देखने को मिला है। इंटरनल न्यूज है, अकेले फंडामेंटल समझते हैं इस स्टॉक का। तो यदि आप फंडामेंटल समझेंगे तकरीबन 4,500 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, पी स्क्रीन की वेबसाइट पर गायब है, तो खैर हम लोग चार्ट को लेवल देख के प्राइस को एनालाइज करते हैं कहाँ पर उठाना है, तो पी कुछ खास मायने नहीं रखेगा। शेयर प्राइस अभी 16 रुपये के आसपास चल रहा है, 16.80 रुपये। बुक वैल्यू माइनस में चिंता की बात है। देखिए रियल एस्टेट के सेक्टर में आप देखेंगे ना तो बुक वैल्यू आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ये बेसिकली होता है डेप्टिंग के पास ज़्यादा होता है, जिससे बुक वैल्यू माइनस में जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, ये चिंता की बात है। हालांकि देखिए रियल एस्टेट के सेक्टर में जब आप एनालाइज करेंगे इसकी जो पीयर कंपेरिजन की कंपनी है, तो लगभग उनका भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है या जो बुक वैल्यू है, सबका नहीं लेकिन कुछ कुछ जो छोटे स्टॉक्स हैं इनके जैसा, उनका ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको हाल। तो फंडामेंटल उतना बुरा नहीं है, ये बेहतर हो सकता है। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, क्वार्टर टू क्वार्टर के जो रिजल्ट आते हैं, यदि उसका रिजल्ट लगातार अच्छा आ रहा है तो फंडामेंटल बेहतर हो सकता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा। हालांकि फंडामेंटल में और भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी आगे करूंगा, पहले टेक्निकल को समझते हैं कि कहाँ पे चार्ट क्या बोल रहा है और हमें आगे क्या करना है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आप लेवल देखिए, तकरीबन 4 रुपये से लेकर 2 रुपये के बीच में काफ़ी दिनों से स्टॉक, काफ़ी दिनों से क्या लगभग कह सकते कुछ सालों से स्टॉक इसमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा था। फाइनली नवंबर 2023 के बाद इसमें वॉल्यूम बढ़ना शुरू, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ इंटरनल न्यूज निकल कर सामने आने लगा, जिस वजह से इस स्टॉक में वॉल्यूम यानी कि बाइंग बढ़ने लगा, और बाइंग बढ़ने की वजह से स्टॉक का प्राइस लगातार आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक चीज़ आप देखेंगे तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर वही अब देखेंगे तो अब करेक्ट होकर नीचे आ रहा है। मतलब यह है कि कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आएगा। तो वही अभी इस स्टॉक में हो रहा है कि प्राइस काफी बढ़ गया, तो थोड़ा सा करेक्ट होना जरूरी था, 20 रुपये के करीब चला गया था प्राइस, 20 रुपये के करीब जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है, और दूसरा कोई वजह नहीं है प्राइस के नीचे आने का। प्राइस नीचे आ रहा है अभी, इसे स्टॉक में बुल रन चलेगा, और फिर यहाँ से 16 या 14 रुपये करीब, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, यहाँ से हो सकता है प्राइस ऊपर उठे, ओरिजिनली आपको कम से कम 25 रुपये तक शॉर्ट टर्म में आपको जाते हुए दिखेगा। तो ये अभी का टेक्निकल एनालिसिस बोलता है। और यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, हालांकि मेरी कोई बाई एंड सेल की इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी कीजिएगा आप अपनी सोच समझ के अनुसार कीजिएगा, तो वो क्या करेगा, जब यहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर उठने लगे, तब आप जहां से भी उठने लगे, मान लीजिए 16 रुपये से या 14 रुपये से, जहां से भी प्राइस इसका घूम के ऊपर जाने लगे, आप वहीं पे एंट्री ले लेंगे, और कम से कम 25 रुपये तक इजीली आप जा सकते हैं शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। यदि लंबी अवधि की न्यूज़ है तो वो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यदि हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के पास कर्जा बहुत है, और ये कर्जा आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेगा इस वजह से, और चूंकि फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास नहीं है, कैश पैसा भी नहीं है, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू निगेटिव है, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था। यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी सिर्फ नाम मात्र की है, तकरीबन 5% के आसपास की हिस्सेदारी है, और चूंकि रियल एस्टेट की एक कंपनी है तो इसमें जाहिर सी बात है विदेशी निवेशक या जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है उनकी हिस्सेदारी रहेगी। हालांकि विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी भी पिछले कुछ समय में कम हुई है, और बाकी पब्लिक के पास इसके मेजर शेयर्स पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल यदि बात करें यूनिट एक लिमिटेड का, देखिए रिस्की स्टॉक जो है, चूंकि फंडामेंटल में कुछ थोड़ा सा दिक्कत है जो समय के साथ बेहतर हो जाएगा, तो यदि रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप इसको
थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई और भी सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जरूर करवाते करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।